इस वक्त स्टेज पर आप देख रहे हैं नूर की बरसात जारी है। हिंद का राजा वलीउल हिंद सुल्तानुल हिंद जिनकी निगाहें फैज से 90 लाख हिंदुओं ने कलमा का बादशाह ख्वाजा अजमेर नक्शबंदियों का इमाम ख्वाजा अजमेर सुरबुर्दियों का आका ख्वाजा अजमेर कादरियों का बादशाह और फिर एक मोइनुद्दीन का बेटा और एक मुहयिद्दीन का बेटा। एक मुहयिद्दीन वो जिन्हें लोग पीराने पीर पीर दस्तगीर अशेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी के नाम से बुलाती है पीरे पीरा मीरे मीरा। एक वो जो ये कहे कदमी हाज ही अला रकबत कुल्ले वली गिल्ला और दूसरा उसका बेटा है जिसने फौरन सर झुकाया और कहा बल अला ऐनी वारसिया सैयदी। एक ने कहा मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पर है और दूसरे ने कहा नहीं हुजूर मेरे सर पर भी है मेरी आंखों पर भी है। वो ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चश्ती अजमेरी थे। तो मैं तजवीज करता हूं कि ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज की इस महफिल की सदारत अगर कबूल फरमाएं तो ख्वाजा अजमेर के उस दरबार दुरबार के सज्जादा नशीन अस्ते सैयद मोहम्मद महदी मियां यहां मौजूद हैं। आपका नामे ग्रामी में आज की इस महफिल की सदारत के लिए पेश करता हूं। तो आप मेहमान खुसूसी अस्ते गाजी मिल्लत मौजूद हैं और हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती शमसुद्दोहा साहब की बिलादरी मौजूद है। ये हजरात वो हैं कि जो सैयद भी हैं और जो एक अजीम खानदान से जिनका ताल्लुक भी है। अब उस सैयद की बहार बरी और नूर बरी महफिल में सादात का इज्तिमा में मैं और आप मुस्तफीद होंगे। अब नारा लगाइए इस्तिक़बालिया और मैं अज़ गाज़ी मिल्लत की खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि हुजूर आप आइए और आकर अपना जो चाहे जिस अंदाज से चाहे मुझे और आपके दुरूद को आप गरमाएं। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया नारा गौसिया अज़ गाज़ी मिल्लत अज़ गाज़ी मिल्लत। मैं आपके बयान से शाम शुरू होने से पहले एक दरख्वास्त और भी करूंगा। एक तो ये गाड़ी है टोयोटा MZ9585 कहीं रस्ते महपुर वहां से बुक कर दे। दूसरा चूंकि मगरब की नमाज को एक घंटा रहता है 9:30 के बाद एक दो मिनट बाद मगरब का लेकिन यही वक्त नहीं होता तो मैं अगर आपकी जुबान से हजरत क़िबला की खिदमत में इल्तिमास करूं कि हुजूर अगर 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो यकीनन हम उसी मदार फतवा हमारे पास है कोई नमाज में फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारे जो नमाजी नए नए उठते हैं ना ये फौरन गली की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता जो इमाम मुसल्ले पर मौजूद है वो भी वक्त जानता है और उसे भी नमाज का पता होता है। ये सूफी साफी जो है ना फौरन गलियां देखना शुरू कर देते हैं यानी वक्त हमें बताने लगते हैं कि वक्त हो गया। भाई जो जिम्मेदार है वो मौजूद है तो इसलिए मैं आप कि कतरों से हंसे गाजी मिलत की खिदमत में इल्तवास करता हूँ। हुजूर 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए मैं दावे के साथ कहता हूँ नमाज मगरब यहाँ ही रहेगी हम उसे जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وشرفنا سبحان الله ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا دے بلان مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں بہار مدینہ لیے جا رہا بہار مدینہ لیے جا رہا ایک مرید صادق ہے سچا ہے پیر و مرشد بھی سخی ہے دونوں کے بیچ کیسا ہے وہ کہتا ہے میں اس مائکشی کے حوص پہ تصدق مائکشی پہ تصدق نہیں مائکشی کے حوص پہ تصدق حوص پہ میں اس مائکشی کے حوص پہ تصدق پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے یہی کام ہر دم پیے جا رہا ہوں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں آج میں سوچتا ہوں کہ تقریر وہاں سے شروع کروں قرآن جہاں سے شروع ہوا تلاوت قرآن کے لیے جب ہم ٹائٹل اور ہم پلٹتے ہیں تو پہلی سورہ جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ فاتحہ اور اس سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین کا ٹرانسلیشن نہ کروں تو فکر نہیں ہوگی ایوری سنی از ویل نون اباؤٹ الحمد للہ رب العالمین اور یہ تمہاری ڈیلی پریکٹس میں یو آر یوز ٹو سے الحمد للہ اینی گڈ نیوز کیم فرام پاکستان اور انڈیا یو سے الحمد للہ یور سن بیکیم آفیسر الحمد للہ اور یو ہیو ٹیکن یور میل After that he said, Alhamdulillah. Your son passed the examination in first class. He stood first class in his examination. You heard it and said, Alhamdulillah. So you are used to say Alhamdulillah. Pani pi liya, pani pi ke, teen saanson mein pani piya, baad mein kaha, Alhamdulillah.
खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर मिली अल्हम्दुलिल्लाह, गुड न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हाउ मच फेमस आयत करीमा, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर के जापान चाइना तक, किधर भी चले जाओ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की जुबान पर। It is not only famous but very important too. Very, very important. Any namazi can't complete his one rakat without this. Allah. इसलिए कि ये सूरह फातिहा की पहली आयत है और सूरह फातिहा हर हर रकत में पढ़ना, आप बोलो सब हम ही बताओ, लाजमी है। इट इज लिटरेरी वर्ड, टेल मी इस्लामिक वर्ड, फर्ज है क्या? लाजमी भी इज करेक्ट, लाजमी इज करेक्ट, बट लाजमी इज नॉट टेक्निकल वर्ड, इट इज ए लिटरेरी वर्ड। कंपल्सरी इज इंग्लिश वर्ड, लाजमी इन उर्दू, बट इन इस्लाम फर्ज, फर्ज है, वाजिब भी है और फर्ज भी है। तो चाहे फर्ज कहो, चाहे वाजिब, चाहे जुबान हनफी करो या जुबान शाफई में, कंपल्सरी दोनों हालत में है, कंपल्सरी दोनों हालत में है। यानी फातिहा छोड़ा कि नमाज गई, नहीं समझे, समझे बगैर पढ़ूंगा नहीं। जिसने फातिहा छोड़ा उसकी नमाज गई, जिसने फातिहा छोड़ दिया, तो आप जो फातिहा छोड़े हुए हैं उन्हें समझाओ कि नमाज बचाना है तो फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन। फातिहा पढ़ना कंपल्सरी है, रीड अप, यू आर बाउंड टू रीड सूरह फातिहा इन एवरी रकत, आ फाइव टाइम्स प्रेयर, यू कैन कंप्लीट योर प्रेयर विदाउट फातिहा। तो फातिहा इज नॉट ऑर्डिनरी मैटर, इट इज ए कंपल्सरी फॉर बंदगी, कंपल्सरी फॉर नमाज, एसेंशियल फॉर योर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। मैं सोच में पड़ गया, पहले शरीयत का मसला सुनो, पहले यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन इस्लामिक, इन इस्लामिक लॉ व्हाट इज द रीगल पोजीशन ऑफ सूरा। सूरा फातिहा इज कंपल्सरी, सूरा फातिहा इज कंपल्सरी इन एवरी रकत, बट अनदर सूरा फ्रॉम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी टू वन नास टू कुल औज़ु बिरब्बिन नास मेनी सूरा दिन होली कुरान। You are free. Subhanallah. You can choose any surah from anywhere. But Fatiha is compulsory. First. You have read Fatiha. And after that, after all of all this, you can read any surah. You are free. Either from 29th para, 28th para, from 27th para, from 26th para, as you wish. You are free to select any surah from any para. From 1 para to 13th, from Alif Lam Mim to 1 Nas, you are free to select anyone. And
You are free to select three ayat from anywhere. And you are free. You can select any big ayat. Three parts are possible in that ayat. You are free. But you are not free to ignore the Fatiha. You can't tolerate Fatiha. You can't reject Fatiha. You are bound to read Fatiha. Allah alimul ghaib hai. What do you mean by alimul ghaib? Allah wo bhi janta hai jo guzar gaya hai, wo bhi janta hai jo guzar raha hai, wo bhi janta hai jo guzarne wala hai. Allah knows past ko bhi janta hai, present ko bhi janta hai, future ko bhi. Usne Fatiha ko compulsory kiya hai. Jo alimul ghaib hai usse karwaya hai. Jo alimul ghaib hai deen uska hai. Jo alimul ghaib hai aur interpretation wo kar raha hai jo alimul ghaib hai aur maan wo rahe hain jo qail e ghaib hai aur jab ye aap academic sentence samajh gaye to journal samjhiye. My requested, it was not possible. Surah Ikhlas is very important. Do you know what is Surah Ikhlas? Qul huwallahu sharif. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas. Aur hey Allah, is surah mein teri ilahiyat ka zikr hai, uluhiyat ka zikr hai, ahadiyat ka zikr hai, mahdaniyat ka zikr hai, tauheed ka zikr hai, wahdat ka zikr hai, samadiyat ka zikr hai, lam yalid hone ka zikr hai, lam yulad hone ka zikr hai, tere ghair kufu hone ka zikr hai, belaisa ka misli hone ka zikr hai, la sharika lahu hone ka zikr hai, benazir hone ka zikr hai, la jawab hone ka zikr hai, bemisal hone ka zikr hai. Itni important surah Ikhlas, hamd-e ilahi mein doobi hui surah. खुदा की जात और सिफात को पहचानने आने वाली सूरा और कंपलसरी नहीं. कुल अल्लाह पढ़ना कंपलसरी नहीं. फातिहा कंपलसरी क्यों? कल स्पिरिट ऑफ लव गाइडेड मी और डायरेक्शन दे दिया कि हाशमी अल्लाह गायब का जानने वाला है. उसे मालूम है जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है. उसे मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा के कायल हैं, फातिहे की तरफ माइल हैं, फातिहा की बारगाह में सराफा साइल हैं, और फातिहे के दिल से कायल हैं, और इतना माइल हैं कि हिंदुस्तान में रहें तो फातिहा, पाकिस्तान में रहें तो फातिहा, अफगानिस्तान में रहें तो फातिहा, तुर्किस्तान में रहें तो फातिहा, अरबिस्तान में रहें तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें तो फातिहा, और हद तो यह है कि कब्रिस्तान में रहें तो फातिहा. इतना कायल. इट इज एडमिटेड बाई माई स्लेव्स. नेक बंदों के जरिए ये कबूल. उनका मामूल फातिहा उसूल. कहते तालीमात रसूल. तो ऐसे भी मेरे बंदे हैं, और इन्हीं बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुन ले तो चेहरे की ज्योग्राफी चेंज हो जाती है. ज्योग्राफी ऑफ फेस चेंज. एंड ए कल्टीवेशन एबल लैंड लाइक पंजाब एंड हरियाणा एंड यूपी, वेरी वेरी कल्टीवेशन एबल लैंड change into पठार ऑफ तिब्बत. ऐसा चेहरा बिगड़ा कि अच्छा खासा है, खूबसूरत सा चेहरा, अप्स एंड डाउन्स का शिकार होकर ज्योग्राफिया ही बिगड़ गए. फातिहा का नाम सुनते ही चेहरे की ज्योग्राफी चेंज हो गई. मैं फातिहा नहीं पढ़ूंगा. क्या? What did you say? I will not read Fatiha. I am not ready to read Fatiha. I have decided not to read Fatiha. I don't want Fatiha. I don't like Fatiha. I don't want to follow the Fatiha. No. I'm not ready for it. Oh, you banda.
और सो प्राउड यू विल नॉट रीड फातिहा. ओके, डोंट रीड फातिहा इन योर शॉप, यू डोंट रीड फातिहा इन योर हाउस, यू डोंट रीड फातिहा इन योर इज्तिमा, डोंट रीड फातिहा इन योर मरकज, डोंट रीड फातिहा इन योर कम्युनिटी एंड इन योर रेजिडेंस. पर लिसन ओ बंदा, इफ यू विल नॉट रीड फातिहा इन योर हाउस, आई विल ब्रिंग यू फ्रॉम योर हाउस टू मॉस्क इन माई ओन हाउस एंड आई विल कंपेल यू टू रीड फातिहा 4 times इन फजर, 12 times इन जोहर, and 8 times in Asar, and 7 times in Maghrib, and 17 times in Isha. You can't sleep without Fatiha. बड़े आए फातिहा नहीं बढ़ाएंगे. तुम्हारी हिम्मत, मेरी बनाई हुई जमीन पर चलता है फातिहा से इनकार करता, मेरा दिया हुआ खाता है फातिहा से इनकार करता, मेरे दिए हुए माइंड का मिस यूज करता, मेरी दी हुई ताकत को गलत इस्तेमाल करके फातिहा नहीं पढ़ोगे. अच्छा ठीक है, मत पढ़ो अपने इज्तिमा में, मत पढ़ो अपने जलसे में, मत पढ़ो अपने दारुल उलूम में, मत पढ़ो अपने मरकज में, मत पढ़ो अपने घर में. लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझको तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा और वजू करा के पाक साफ करा के तुझको खड़ा करके फजर में 4 बार फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 8 मरतबा पढ़वाऊंगा, ऐशा में, असर में, मगरिब में, ऐशा में, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ ले. तो फातिहा तो झगड़े की चीज ही नहीं है. देर इज नो डिस्प्यूट इन फातिहा. फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, फजर में हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, जोहर में हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, असर में हम भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, मगरिब में हम भी पढ़ते हैं. दे यूज टू रीड फातिहा एंड वी यूज टू रीड फातिहा. आई रीड फातिहा, दे रीड फातिहा. आई रीड फातिहा इन फजर, दे रीड फातिहा इन फजर. आई रीड इन जोहर, दे रीड इन जोहर. तो जब दोनों पढ़ते हैं तो दोनों में कॉमन है. अब फातिहा बिकेम कॉमन, फातिहा बिकेम कॉमन. और जो चीज कॉमन होती है वो डिस्प्यूटेड नहीं, और जो चीज डिस्प्यूटेड नहीं उस पर झगड़ा कैसा, उस पर रगड़ा कैसा, उस पर मुनाजरा कैसा, उस पर मारा मारी कैसी, उस पर एक दूसरे की इंसल्ट कैसी, उस पर एक दूसरे पर हमला कैसा. जब यह कॉमन हो गया तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं. मगर ए आशिकान रसूल, ए ख्वाजा और गौस के दीवानो, कान खोल करके सुन लो. पढ़ते तो वो भी है, पढ़ते हम भी है. फातिहा वो भी पढ़ते हैं, जोहर में, असर में, मगरिब में, ऐशा में हम भी पढ़ते हैं, मगर दोनों पढ़ने में बराबर नहीं है. वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं. उनका पढ़ना और है, हमारा पढ़ना और है. उनकी स्पिरिट और है, हमारी स्पिरिट और है. उनका जज्बा और है, हमारा जज्बा और है. पढ़ते वो भी है, पढ़ते हम भी है, मगर हम नमाज में फातिहा मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं. फातिहा तो पढ़ना ही पड़ेगा. यह सूरह फातिहा की मुबारक आयत है. और आपको एक बात और बता दो, लगे हाथ ये भी बता दो, ये कुरान शुरू हुआ है फातिहा से कि नहीं? किस सूरह से शुरू हुआ? कुरान फातिहा से शुरू हुआ. तो किसी ने कुरान से कहा तू क्यों फातिहा से शुरू है? Why are you started from Surah Fatiha? Anyone is asking to Holy Quran? No. Why do you not ask it? जाओ पकड़ो कुरान पर, तू फातिहा से क्यों शुरू हुआ? तो सुनो, हम लोग बड़े सदीर के हैं, हमारे दिल में खाजा है, वलियों का राजा है, हमारे सीने में दाता है. इसीलिए जिस सीने में दाता नहीं उसे कुछ भी आता नहीं. इसलिए हम लोग गैरतदार हैं. जब नमक खा के नमक का हक अदा करें, नमक खा के जब नमक का हक अदा करना हमारे बाप दादा की शान है, तो नबी का कलमा पढ़ के नबी पे मर जाना हमारे ईमान की शान है. कुरान शरीफ शुरू हुआ ये जो भी मैनचेस्टर में जो कुरान है, कहां से शुरू है? सूरह फातिहा.
तो कोई बोला गोरंग को, बा मुसलमानों ने यहीं से जो सच्चे मुसलमान थे, अच्छे मुसलमान थे, दिल में खोट नहीं, उनको किसी ने पुश नहीं किया, ना उनके आगे ना पीछे पुश है ना आगे बुश है, बिल्कुल नेक लोग, सीधे साधे अच्छे मुसलमान थे। उनका एक कुरान को कहां से शुरू हुआ, का फातिहा से, तो शुरू हो गया, जब कुरान फातिहा से तो शुरू हो गया मुसलमान फातिहा से। जब ये जुमला समझ में आ गया है तो ये बताओ कि कुरान सबसे पहले मिला किसको, आई मीन अल्लाह गेव हू कुरान फर्स्ट ऑफ ऑल टू हूम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील खैर मिन वही इलाही अपॉन हूम, होली प्रॉफिट, अल्लाह गेव कुरान फर्स्ट ऑफ ऑल टू हिज बिलव्ड प्रॉफिट, अल्लाह गेव होली कुरान फर्स्ट ऑफ ऑल to his beloved prophet. At that time, from which ayatul Quran started? Allahu Akbar. What was the name of first wahi? Iqra bi ismi rabbi. When Allah gave the prophet, started from Iqra. And holy prophet gave us, started from Fatiha. Allah gave holy prophet started from Iqra and holy prophet gave sahaba, holy Quran started from Fatiha. Allah ne apne mehboob ko diya to Iqra se aur bando ko diya to Fatiha se, महबूब को इकरा से, बंदों को फातिहा से, तरतीब बदली क्यों, व्हाट इज रीजन ऑफ द चेंज? अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उसको तो मालूम था कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत साद को, हजरत सईद को, हजरत तलहा को, हजरत जुबैर को, हजरत अबू उबैदा को, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अब्द को, हजरत बिलाल को रली अल्लाह तआला अन्हु, कितना नाम इंसान भूल जाएगी, सहाबाए करम की जमात नूरी है और बड़ी लंबी है, सहाबाए करम को जब दिया अल्लाह तआला को तो मालूम है कि सहाबा को किस तरतीब से दूंगा, उसी तरतीब से नबी को क्यों नहीं दिया, ओ अल्लाह यू नो वेरी वेल व्हाट इज अवर तरतीब, जो हमको मिलेगा किस तरतीब से मिला, इसी से नबी को क्यों नहीं दिया, Why did not give you your beloved prophet as you are giving me? या जैसा मुझे दे दिया ऐसा उन्हें क्यों नहीं दिया, या जैसा उन्हें दिया वैसा हमें क्यों नहीं दिया? शॉर्ट कर दूं, ए अल्लाह कुरान जब नाजिल हुआ तो तरतीब और हम बंदों को हासिल हुआ तो तरतीब और, यानी रसूल पर नुजूल का अंदाज और है और बंदों के हुसूल का अंदाज और है, जब नबी को दिया तो इकरा से, पूरा कुरान नबी को दिया, पूरा कुरान बंदों को, कंप्लीट कुरान नबी को दिया, कंप्लीट कुरान बंदों को, कामिलो अकमल कुरान नबी को मिला, कामिलो अकमल कुरान बंदों को, पूरा का पूरा कुरान नबी को मिला, पूरे का पूरा कुरान बंदों को, मगर जब नबी को मिला तो इकरा से और हमें मिला तो फातिहा से, ये तरतीब बदली क्यों, ये फर्क किया क्यों, ये डिफरेंस हुआ क्यों? तो इश्क ने जवाब दिया, ये फर्क अल्लाह ने इसलिए कर दिया ताकि कोई मौलवी ये ना समझे कि कुरान पाने में हम रसूल की तरह है, कुरान पाने में रसूल के मिसल हैं, कुरान पाने में रसूल के बराबर हैं, या रसूल जैसे हैं। अरे लोग, जब कुरान पाने में हम रसूल की तरह ना हो सके तो समझाने में भी रसूल की तरह नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। तो वो कुरान वो फातिहा हमको, अब आइए कि कुछ डिसिप्लिन होती है, कुछ अलग होता है, उसके तहत आइए हम उस क्या अल्फाज की तरफ तवज्जो दें। अल्हम्दो
تمام تعریف للہ فار اللہ. جیسے ہی ہم نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے, ایک مولوی کھڑا ہو گیا. خیر ہمارے یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ چلو ہمت والے کھڑا ہو کے بولتے ہیں. ویسے میرے اور جگہ نہیں بولتے, سمجھتے ہیں کہ بولتی بند ہو جائے گی, لیکن وہ بولتے ہیں. کیا بولے؟ الحمدللہ, تمام تعریف فار اللہ. کون؟ کتنی تعریف؟ ہاؤ مچ؟ 1 million تعریف, 2 million, 1 billion, کل. تو جب کل تعریف اللہ کی, آل فار اللہ, تو کسی اور کے لیے کچھ بچی؟ نہیں بچی نا. تو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرو. پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرو. یونائٹڈ کنگڈم کا سارا مال میجر کے لیے, تو ٹیچر کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری دولت انڈیا کی پنڈت کے لیے, تو اس مسلمان کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, تو کسی اور کے لیے کچھ بچا؟ تو نبی جن کی تعریف بند کرو, صدیقین کی تعریف بند کرو, شہدا کی تعریف بند کرو, صالحین کی تعریف بند کرو, اغواس کی تعریف بند کرو, اقطاب کی تعریف بند کرو, نقبہ کی تعریف بند کرو, رجبہ کی تعریف بند کرو, امام کی تعریف بند کرو, اہل بیت کی تعریف بند کرو, صحابہ کی تعریف بند کرو, مستحدین کی تعریف بند کرو, متکلمین کی تعریف بند کرو, اولیاء کاملین کی تعریف بند کرو, اپنے پیر کی تعریف بند کرو. تعریف بند. میں نے کہا کیوں کرے بند؟ کہا الحمدللہ, ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے, پھر کسی کا چانس کہاں؟ There is no chance for another, because all تعریف is fixed to Allah, only for Allah, only for Allah. تو you are not Allah, so I will not pray you. تو پھر جب تم اللہ نہیں ہو, تو تمہاری تعریف ہی بند, پریز بند. All پریز for Allah. You are not entitled to take my پریز. تو ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہو گئی, جو سب کی سب اللہ کے لیے, سب کی سب برائے رب, سب کی سب اونلی فار رب. تمہارے لیے روا کب؟ تو تمہارے لیے کب؟ صحیح ہے. واہ واہ واہ, سب کی تعریف. اور مگر ہماری حالت, ہمارا حال یہ ہے, مائی پوزیشن, یور پوزیشن, مائی سوسائٹی, مائی ریلیشن from Pakistan or from India, from Bangladesh or from any country, you know very well. You can't save yourself. No, you can't save. Tarif for Allah, no doubt. But only for Allah. Woh kaun hai jisne apne watan ki tarif na ki ho? وہ کون سا کسان ہے جو لہلہاتے ہوئے دھان کو دیکھ رہے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون اولاد ہے جو اپنے ماں کی مسرتوں کو دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر و مرشید کی آنکھوں میں جلوہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا عقیدت مند ہے جو اپنی خانقاہ کو دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا پاکستانی ہے جو 14 اگست کی تعریف نہ کرے؟ وہ کون ہندوستانی ہے جو 15 اگست کی اہمیت کا منکر ہو جائے؟ وہ کون سا برٹش ہے جو یہاں کی تمام جو متاثر کن چیزیں ہیں ان کو دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ میں کہتا ہوں کہ تعریف سے بچنے کا جہاں تک سوال ہے, بچا ہے کوئی؟ ارے مرزا غالب, سب چیز سے نہیں بچے, کم سے کم اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرتے اسی سے بچ جاتے ہیں. ریختی کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, میر تقی میر کی تعریف کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں, بہت بڑا شاعر تھا, کرتا ہوں. مت کرو اس کی تعریف. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ انٹرپریٹیشن چلے گا؟ جب ساری تعریف اللہ ہی کے لیے, اونلی فار اللہ ہے, تو کسی اور کی مت کرو, کیونکہ ہر تعریف ریزرو ہو گئی اللہ کے لیے, ہر تعریف فکس ہو گئی اللہ کے لیے. ہر تعریف اونلی فار اللہ, اونلی فار اللہ. تو نو تعریف فار غیر اللہ.
جب اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کی تعریف بند کرو, آسمان کی تعریف بند کرو, دریا کی تعریف بند کرو, جہلم کی تعریف بند کرو, کشمیر کی تعریف بند کرو, بند کی تعریف بند کرو, زعفران زاری کی تعریف بند کرو, کراچی کی تعریف بند کرو, دلی کی تعریف بند کرو, اجمیر کی تعریف بند کرو, بغداد کی تعریف بند کرو, تو تم بھی اپنی جماعت کی تعریف بند کرو, نصاب کی تعریف بند کرو, حضرت جی کی تعریف بند کرو, لٹریچر کی تعریف بند کرو, نہ سمجھی میں اپنی تفہیم کی تعریف بند کرو, اپنے حضرت کی تعریف تم کرو, اعلیٰ حضرت کی تعریف ہم نہ کرو. کیا بات, تعریف سے کوئی بچائے بتائیے, خدا کی قسم کسی کو لاؤ اور یہ مسجد دکھاؤ تو مانچسٹر کے فجور مسلمانوں نے جو اللہ کی محبت میں یہ اس کا گھر بنایا ہے اور رسول کی محبت میں جو سجدوں سے آباد کیا ہے, کون ہے جو یہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ کون حسینی ہے جو حسین کی تعریف نہ کرے؟ کون پاکستانی ہے جو پاکستان کی تعریف نہ کرے؟ پاکستان خدا ہے نہیں, اور جب تعریف سب خدا کے لیے ہے تو پاکستان کے لیے بچی؟ کشمیر کے لیے کچھ بچا؟ ارے تیرے لیے بھی کچھ نہیں بچا. تو پتا چلا یہ انٹرپریٹیشن چلنے والا نہیں ہے, ورنہ میں نے ہی ایک شعر کہا تھا, ابر میں چاند ہاشمی چمکا وہ زخم دل میرا مسکرایا ہے, زخم دل میرا, زخم دل میرا مسکرایا ہے, زخم دل میرا مسکرایا ہے, شاید اس نے مجھے بلایا ہے, شاید اس نے مجھے بلایا ہے. اور ابر میں چاند ہاشمی چمکا, ابر میں چاند ہاشمی چمکا, رخ پہ گیسو کو جب گرایا ہے, اے ہاشمی تم محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر تو ہاں کرتا تم بند کرو اسے, الحمدللہ تمام تعریف تو اللہ کی, یہ انٹرپریٹیشن چلے. اچھا بھیا ہماری اردو کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, آپ انگریزی کے ساتھ تو ظلم نہیں نہ کرتے, بالکل اسی کو بچا لیجئے کہ غیر اللہ کی تعریف نہ کرے. صحیح ہے, ولیم وارڈس ورتھ نے کیا رینبو کی تعریف کرتے ہوئے نہیں کہا, My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. پکڑ لو اس بجھے کو اگر نہ ملے قبرستان میں تو ہڈی کو پکڑ کے پٹک کے کہو کہ تم نے رینبو کی تعریف کیسے کر دیا. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. ارے تو رینبو کی تعریف کرنا ہے بند کر, رینبو کی تعریف چاہے کتنی ہی اچھا ہوگا. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, رینبو کے لیے چانس نہیں. اور پھر آگے چل کر شاید اسی پوئم میں اس نے کہیں کہا, آئی تھنک ہی روٹ آفٹر فیو سینٹینس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ولیم وارڈسورتھ دا پوئٹ آف نیچر, the authority of English literature. Child is the father of the mind. Child is the father of the mind. From this we born is all party. Child is the father of the mind. Child is the father of the mind. I said, how is it possible? Okay, Hashmi, you don't know. Mind never born. Never born. Never born. Mind never born. In any hospital, any mind, any delivery of any mind is possible in the hospital? Delivery of a mind in any house? No. A child born. From where mind came? From child. The development of child is mind. The child came from mother. And mind came from child. So child became father of the mind. Don't praise child. What? Alhamdulillah Rabbil Alameen, tamam tarif Allah ke liye, ladke ki tarif band karo. Kisi ne maa ki tarif karte hue kaha, who fought me for her gentle breast and who hushed me in her arms to rest and on my cheek sweet kisses pressed. My mother, my mother, my mother. Oh God preserved my mother dear in health and strength for many a year. I don't Perché chi non mi va in un'idea di scoppia, da qui, tira via.
आत्मा का कोई आदमी जिंदा है जो अपने देश की तरफ जाए या इंग्लैंड से अपने मुल्क की तरफ जाए और उसका दिल खुशी से न उछले, मालूम होता है पीआईए सुस्त हो गई है, लगता है ब्रिटिश एयरवेज में दम नहीं है, कितनी जल्दी अपना आ जाए, वो अपना हवाई अड्डा आ जाए, अपने लोग आ जाए। तो और अगर ऐसा नहीं है तो उसे करीब जाओ, सी हिम, गो टू नियर, डिस्पाइट दोस टाइट और उसके पास सब कुछ है लेकिन उसको कोई इज्जत मिलने वाली नहीं, वो डबल मौत मरेगा, डब्ल्यू डाइंग, वंस ही डेड ही डाइड, सेकेंड आफ्टर डेथ ऑन वर्क ऑन अन ओल्ड सन, मर गया तो कोई रोने वाला नहीं, दिस इज हिज सेकेंड डेथ। विलियम स्कॉट, स्टॉप योर दिस स्टाइल ऑफ प्रेस द पैट्रियटिज्म, तारीफ मत करो हुब्बुल वतनी की, क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। एक दो गाली देता चला जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, शॉर्ट में सुन लो कि चाहे शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, विलियम स्कॉट हो या विलियम ब्लेक आल्सो रोट ए पोएम, स्लीप स्लीप ब्यूटी ब्राइट ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ लाइट, शेक्सपियर, विलियम स्कॉट, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एनी पॉइंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बचा नहीं है जिसने खैर की तारीफ ना किया। तो उर्दू पे ताले लगाओ, पंजाबी पर लोग दी पंजाबी, मिटा दो उर्दू, खत्म कर दो अरबी, निकाल दो यूके से इंग्लिश, कोई जबान ऐसी नहीं है जिसने खैरुल्लाह की तारीफ ना किया हो। अब अगर तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है तो फिर ये वतन की तारीफ कैसे की जाए, मुल्क की तारीफ कैसे की जाए, दरिया की कैसे तारीफ की जाए, पंजाब की पांच नदियों की तारीफ करना बंद करो, कश्मीर के ज़ाफरान ज़ारी की तारीफ बंद करो, तुम हिंदुस्तान में ख्वाजा करीम नवाज की फैली हुई चादर की तारीफ बंद करो, कादरियत की तारीफ बंद करो, चिश्तियत की तारीफ बंद करो, नक्शबंदियत की तारीफ बंद करो। जब हम सब बंद करते चले जाएंगे इसलिए कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या बाप अपने बेटे की तारीफ ना करे? क्या बीवी अपने शोहर की तारीफ ना करे? क्या बेटी अपनी माँ की तारीफ ना करे? क्या भाई अपने भाई की तारीफ ना करे? क्या पोता अपने दादा की तारीफ ना करे? क्या एक शहरी अपने शहर की तारीफ ना करे? सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, तो ये सारी तारीफें बंद हो। अरे झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे कुरान नीचे पूछो, ये कुरान तेरा मतलब क्या है? ओ होली कुरान, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, Do you want to stop the tarif of prophet? क्या तुम prophet की तारीफ को बंद करना चाहते हो? क्या अलहमदो का मतलब यह है कि सारी तारीफ ओनली फॉर अल्लाह? तो जब सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है तो नबी की तारीफ ना करो, रसूल की तारीफ ना करो। Do you want it? तुम इसे चाहते हो क्या? और अगर चाहते हो तो कुरान अब तुम्हें ही को बताना होगा। एक तरफ तो तू हमसे कहता है अलहमदुल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और दूसरी तरफ तू ही मेरे नबी के बारे में कह रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइन लिल्लाह बेइज़ नहीं व सिराजन मुनीरा। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व रफा बादहुम दरजात। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व रफाना लका ज़िक्रक। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है लकद मनल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अगर तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है तो तूने मेरे नबी को या अय्युहन नबी क्यों कहा, या अय्युहन रसूल क्यों कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल क्यों कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्यों कहा? वद्दुहा वल्लैला सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिन अलूला वलसौफ युतीका रब्बुका फ़तरज़ा क्यों कहा? एक तरफ तो तूने कहा कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, ऑल तारीफ फॉर अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और दूसरी तरफ तू नबी की तारीफ कर रहा है, तू रसूल की तारीफ कर रहा है। तो कुरान ने कहा अरे बेवकूफी न करो, अमरीकी की गुलामियों से बाहर आओ और रसूल की चादर के नीचे आ जाओ, बेवकूफी न करो। मैंने कहा अल्लाह की तारीफ करो, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है और मैं नबी की भी तारीफ कर रहा हूँ, तो इसमें टकराव क्या है? तुमने समझा नहीं, रसूलुल्लाह की तारीफ भी अल्लाह की तारीफ, नबीउल्लाह की तारीफ भी।
بات میں نے صرف محبت کے بہاؤ میں نہیں کہا ہے بلکہ دلیل و براہین کے دباؤ میں کہا ہے. It is not under the pressure of only love spirit, but under the logical theme and theory and power. ایک بات سنو, ابھی ہمارے سامنے وہ کیا بھائی پڑھنے کا حق پنجابیوں کو ہے یہ تو ماننا ہی پڑتا ہے. کیا گلا ہے, کتنا بھلا ہے, اللہ کی طرف سے ملا ہے. ایسا گلا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں اور سر ہوتا ہے اور ذکر نبی ہوتا ہے, کان سے ٹکراتا ہے, دل میں چلا جاتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہاں بھی سب گلا ہے, کچا کوئی نہیں, سب ادھر بھی گلا ہے. ایسا وہ گلا ہے, پڑھ رہے تھے. اب وہ ایک شاعر ہے پڑھ رہا ہے آپ کو, آپ کیا سن رہے ہیں, شیر. دیر از اے پوئٹ اینڈ یو آر ہیئرنگ پوئٹری, یو آر انٹرسٹڈ ان پوئم, یو آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان پوئم, بٹ یو آر باؤنڈ ٹو بی آر اے پوئٹ بیکاز اف یو ول ناٹ ٹیک, یو ول ناٹ پے یور اٹینشن ان دا پوئٹ, یو کانٹ ہیئر پوئم. یو لائک دا پوئم, شاعر کھڑا ہے, شیر پر نعت, ایک نعت, ویری گڈ افیکٹ پڑ گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تکلیف دیجیے گا, مقرر ارشاد, پلیز ریپیٹ اٹ, سوری ونس مور, آئی لائک اٹ ویری مچ. آپ نے تعریف کس کی کیا, شیر کی, اور خوش کون ہو رہا ہے, شاعر خوش ہو رہا ہے, شیر چپ, پوئم سائلنٹ, پوئٹ گلیڈ. آئی ایم پریزنگ پوئم, پوئم از سائلنٹ, پوئٹ از گلیڈ. ارے دس نائٹ اونلی فار می, ہول نائٹ ان مشاعرہ, ان اردو مشاعرہ. ایک شاعر کیم اینڈ ہی ڈیلیورڈ ہز پوئم, واہ 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 واہ, چھت اڑ گئی, روف اڑ گیا, واہ 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 واہ, لائک دبئی مشاعرہ, ہندی بامبے کراچی مشاعرہ, واہ 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 واہ. پوئٹری سائلنٹ اینڈ واٹ, شکریہ, تھینک یو, ذرا نوازی, مہربانی. ارے آئی ایم پریزنگ پوئم, پل آر یو کے لیے, ارے میں نے تعریف کیا ہے شیر کی, یہ شاعر, وہ شاعر, تو کا خوش ہو گیا. جی جی میں بیٹھا, واہ اٹ از اے گڈ ممبر, ویری اٹریکٹو ممبر, بٹ اولڈ, نو پرابلم, اولڈ از گولڈ, نو پرابلم, ویری کمفرٹیبل. ہو ڈیزائنڈ اٹ, ہو از آرکیٹیکٹ آف دس, ویری گڈ اسٹرکچر, ویری گڈ فنیشنگ اینڈ ایوری تھنگ. آئی ایم پریزنگ دا چیئر, ممبر, ممبر از سائلنٹ, کارپینٹر از ویری کلیئر, حضرت پریزنگ می. ارے میں نے تعریف کیا اس کی, اور بنانے والا خوش, سر ویری سینسیٹیو مائک, آئی پریز دا مائک, ویری سینسیٹیو مائک از سائلنٹ, بنانے والا خوش. My invention is very good, granted by Hazrat Sahib. You build up a house and you invited me. I went at your residence and saw your house. Are very good, Khan Sahib, very attractive your house. Very good, neat and clean. Hazur dua ki. Allah ka karam meherbani uski, alhamdulillah. Haza min fazli rabbi. I appreciate house. I like house. House is silent. Householder is great. Very great. Subhanallah. A Pakistani came and said, my Pakistan is an ideological country, not geographical. Every country is geographical country, but Pakistan is ideological country. Pakistan is silent. No reply from Pakistan, but Pakistanis became great.
Are you in the garden inside? Garden, beautiful garden, different flowers, different color, not like in British. In this country there are flowers but no smell. Subhanallah, subhanallah. Allah. In India and Pakistan, flower with smell. But subcontinent of India? Oh, you don't know. The flower of England is not ready to take tension and torture. This flower is not ready to take hot from sun. Tension, torture. And a life in which there is no tension, a life in which there is no problem, a life in which there is no disaster, they have no smell. I understood why the smell of Imam Hussain everywhere. Why the smell of Imam Hussain in the whole world? Because the torture upon Hussain, upon climax, so the smell of Hussain on climax. Phool tayyar nahi dukh jhelne ko. Aur Hindustan Pakistan ka phool tayyar hai garmi bardasht karne ko to mahak mil gayi. अब तुम भी गर्मी बर्दाश्त करो ताकि खुशबू मिल जाए. तो आई वेंट इन द गार्डन एंड सॉ मेनी फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स, सम रोज, लिली एंड अदर फ्लावर्स, मेनी फ्लावर्स. वेरी गुड फॉर द गार्डन. हु बिल्ड इट? गार्डन इज साइलेंट एंड बिल्डर इज ग्रेट. अब शॉर्ट में जो समझो कि बने की तारीफ करना, बनाने वाले की तारीफ. शेर की तारीफ करोगे तो शेर की तारीफ नहीं होगी, शेर बनाने वाले की तारीफ है. मुल्क की तारीफ मुल्क बनाने वाले की तारीफ है. घर की तारीफ घर बनाने वाले की तारीफ है. गार्डन बनाने की तारीफ गार्डन बनाने वाले की तारीफ है. मिंबर की तारीफ मिंबर बनाने वाले की तारीफ है. मस्जिद की तारीफ मस्जिद बनाने वाले की तारीफ है. ताजमहल की तारीफ ताजमहल बनाने वाले की तारीफ है. घर की तारीफ घर बनाने वाले की तारीफ है. बाग की तारीफ बाग बागान बनाने वाले की तारीफ. अरे जब तू इतनी सच्ची बात को मान चुका है कि बाग की तारीफ बाग बनाने वाले की तारीफ, घर की तारीफ घर बनाने वाले की तारीफ, मकान की तारीफ मकान बनाने वाले की तारीफ है, तो अब ये भी मान ले कि रसूल की तारीफ रसूल के बनाने वाले की तारीफ है, नबी की तारीफ नबी बनाने वाले की तारीफ. तो नबी जीन की तारीफ नबी जीन बनाने वाले की तारीफ है. सिद्दीकीन की तारीफ सिद्दीकीन बनाने वाले की तारीफ है. शोहदा की तारीफ शोहदा बनाने वाले की तारीफ है. सालेहीन की तारीफ सालेहीन बनाने वाले की तारीफ है. अब गौसे आजम की तारीफ गौसे आजम बनाने वाले की तारीफ है. दाता गंज बख्श की तारीफ दाता गंज बख्श बनाने वाले की तारीफ है. बाबा फरीद गंजे शखर की तारीफ गंजे शखर बनाने वाले की तारीफ है. ख्वाजा मोइनुद्दीन की तारीफ ख्वाजा बनाने वाले की तारीफ है. सरकार नक्शबंद की तारीफ सरकार नक्शबंद बनाने वाले की तारीफ है. सोहरवर्द की तारीफ सोहरवर्द बनाने वाले की तारीफ है. कदरियत की तारीफ कदरियत बनाने वाले की तारीफ है. हनफियत की तारीफ हनफियत बनाने वाले की तारीफ है. मशीयत की तारीफ मशीयत की तारीफ खुदा की तारीफ है. इसी तरीके से समझ के चले जाओ कि जब बने की तारीफ बनाने वाले की तारीफ है, तो मुझे कहने दो कि रसूल बेमिसाल है, रसूल लाजवाब है. माय बिलवड प्रॉफेट इज अ मैचलेस इन द वर्ल्ड. ये बेनजीर है, ये लाजवाब है, ये बेनजीर है, ये बेमिसाल है. मुझे कहने दो कि देयर इज नो एग्जांपल ऑफ माय प्रॉफेट, देयर इज नो मैच ऑफ माय प्रॉफेट. माय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैचलेस प्रॉफेट इन द वर्ल्ड. मेरा नबी बेमिसाल है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी बेनजीर है. मुझे ये कहने दो रसूल तुम्हारा जवाब नहीं, रसूल तुम्हारी मिसाल नहीं, रसूल तुम्हारी नजीर नहीं. क्योंकि मैं जितनी जोर से ये कहूंगा, जितने प्रेशर से ये कहूंगा कि नबी का जवाब नहीं नबी की मिसाल नहीं, तो दुनिया सोचने पर मजबूर होगी कि जब बनने वाला लाजवाब है तो बनाने वाला कितना लाजवाब है, बनाने वाला कितना बेमिसाल है. और रही बात ये रसूल हमारे तुम्हारे जो दरमियान मामला है, तुम जानो हम जाने. मैं अहद हूं
और मेरे लिए हमद है। वाह वाह वाह। तो हमद मेरे लिए वाह, अल्लाह के लिए हमद फार अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमद फार अल्लाह। हेलो मोहम्मद, योर नेम बिल्ड बाई हमद। मोहम्मद मोहम्मद बाई हमद मोहम्मद। अल्लाह ने रसूल की तारीफ की, रसूल ने अल्लाह की तारीफ की। जब रसूल ने खुदा की तारीफ की, जब रसूल हमद करेंगे तो रसूल होंगे मोहम्मद, और खुदा तारीफ करेगा तो खुदा होगा मोहम्मद। हमद करने वाला बहुत ज्यादा हमद करने वाला, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह तारीफ कर रहा है रसूल की, और अब उसकी उनकी तारीफ को अपनी तारीफ बताया, और कहा सुनो मेरे महबूब, तुम किसी मुल्क के लीडर नहीं हो कि पब्लिक माने तब बनोगे। तुम इंडिया पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं हो कि पब्लिक माने तब बनोगे। तुम्हें कोई माने ना माने, बनाया मैंने, दिया मैंने, बुलंदी मैंने दी। तो जरा गौर कीजिए कि रसूल की तारीफ को ऐसा फैला दिया कि लोग कहीं डाउट ना करें किसने फैलाया। कहे महबूब लोगों से बता देना, वरफाना लका जिक्रा, वरफाना लका जिक्रा, हमने तुम्हारे जिक्र को फैला दिया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। तो बुलंद करने वाला है खुदा, बुलंद होने वाले मुस्तफा। अरे जब दो चार आदमी साथ हो जाएं तो नेता इतना बड़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर हो जाए। कुछ लोग साथ हो जाएं तो एक मुल्क मिल जाता है, और जिसे खुदा बुलंद कर रहा हो वो बेख्तियार कैसे होगा, वो बेख्तियार कैसे होगा। मगर ये बात जानने की जरूरी है, जरा सा तारीफ का अंदाज लगाइए कि तारीफ करने वाला जैसा होता है वही उसका दायरा होता है। इसको मिसाल के तौर पर यूं समझो कि अगर कोई थानेदार हमारे मुआफिक हो तो पूरे थाने में हमारा चर्चा होगा, लेकिन अगर जिले का डीएम मेहरबान हो जावे तो पूरे जिले में हमारा चर्चा होगा। अगर कहीं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमारे फेवर में हो तो पूरे स्टेट में हमारा चर्चा होगा, और अगर कहीं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फेवर में हो तो पूरे मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की चाहत का असर भारत पर तो नहीं पड़ेगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर के चाहत का असर चाइना पे तो नहीं पड़ेगा। चाइना का प्रेसिडेंट ईरान में क्या कर लेगा, ईरान का प्रेसिडेंट सऊदी अरबिया में क्या कर लेगा, और अभी सऊदी अरबिया में कौन पैदा हुआ है जो इराक में कुछ कर ले। मालूम यह हुआ कि जिसका जो रिडक्शन है, यू कैन डू एंड हेल्प एनी वन इन योर ओन ज्यूरिडिक्शन, यू कांट इंटरफियर एनी अनदर कंट्री। जिसका जहां पावर होगा वही चर्चा होगा। इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू कैन हेल्प एनी वन इन द पाकिस्तान, बट यू कांट डू फॉर हिम इन इंडिया। जहां आपका पावर है, जो ज्यूरिडिक्शन है, जितना एरिया, अपने एरिया में चाहे जितना सीना तान के रहो, वाशिंगटन में तो हाथ जोड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा, बुड्ढा हो या जवान, बुड्ढा हो या जवान, इंडिया हो या पाकिस्तान, बुड्ढा हो या जवान, जाके माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो अपने अपनी क्यों ज्यूरिडिक्शन, तुम अपनी यू नो योर ज्यूरिडिक्शन, यू नो योर लिमिट ऑफ पावर एंड लिमिट ऑफ गवर्नमेंट, यू नो वेरी वेल। तो मेरे नबी के जिक्र को अगर किसी मौलवी ने बुलंद किया होता तो मौलवी का पावर देखकर हम आइडिया लगा लेते कि कितना एरिया होगा। किसी मुहद्दिस ने बुलंद किया होता, किसी सीएम ने किया होता, किसी डीएम ने किया होता, किसी पीएम ने किया होता, तो हम समझ जाते कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है तो इसी एरिया में होगा। नहीं, मेरे नबी के जिक्र को मेरे खुदा ने बुलंद किया। मुझे बताओ खुदा की हुकूमत कहां नहीं है, उसकी मालकियत कहां नहीं है, उसकी रुबूबियत कहां नहीं है,
और उसका हाउस की खालकियत कहां नहीं है? रब है रब्बुल आलमीन का, तो चर्चा है रहमतुल लिल आलमीन। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रसूल का जिक्र ना हो। जमीन पे रसूल का जिक्र है, आसमान पे रसूल का जिक्र है, यहाँ रसूल का जिक्र है, जिस मस्जिद पे रसूल का जिक्र है, कस्बों पे रसूल का जिक्र है, यूरोप पे रसूल का जिक्र है, इंग्लैंड पे रसूल का जिक्र है, आयरलैंड जाओ रसूल का जिक्र है, पेरिस जाओ रसूल का जिक्र है, बेल्जियम पे रसूल का जिक्र है, ऑस्ट्रेलिया में रसूल का जिक्र है, जर्मनी में रसूल का जिक्र है, बल्गारिया में रसूल का जिक्र है, टर्की में रसूल का जिक्र है, इराक में रसूल का जिक्र है, ईरान में रसूल का जिक्र है, हिंद में रसूल का जिक्र है, सिंधु में रसूल का जिक्र है, पंजाब में रसूल का जिक्र है, सरहद में रसूल का जिक्र है, पेशावर में रसूल का जिक्र है, दिल्ली में रसूल का जिक्र है, एशिया में रसूल का जिक्र है, यूरोप में रसूल का जिक्र है, अमरीका में भी रसूल का जिक्र है, लीबिया में रसूल का जिक्र है, सीरिया में रसूल का जिक्र है, इजिप्ट में रसूल का जिक्र है, जॉर्डन में रसूल का जिक्र है, अरब में रसूल का जिक्र है, अजम में रसूल का जिक्र है, जमीन में रसूल का जिक्र है, महफिल में रसूल का जिक्र है, बदमे शोहदा में रसूल का जिक्र है, फरिश्तों में रसूल का जिक्र है, मका में रसूल का जिक्र है, लामका में रसूल का जिक्र है, सहाबा में रसूल का जिक्र है, ताबईन में रसूल का जिक्र है, तबे ताबईन में रसूल का जिक्र है, शहीदों में रसूल का जिक्र है, खानकाहों में रसूल का जिक्र है, मस्जिदों में रसूल का जिक्र है, इबादतखानों में रसूल का जिक्र है, मदरसों में रसूल का जिक्र है, दारुल उलूमों में रसूल का जिक्र है, मुज्तहिदीन में रसूल का जिक्र है, मुहद्दिसीन में रसूल का जिक्र है, मुजद्दिदीन में रसूल का जिक्र है, औलिया काबिलीन में रसूल का जिक्र है, जमी में रसूल का जिक्र है, जमा में रसूल का जिक्र है, मकी में रसूल का जिक्र है, मका में रसूल का जिक्र है, फर्श में रसूल का जिक्र है, अर्श में रसूल का जिक्र है, हत्ता ये कि कब्र में रसूल का जिक्र है, हश्र में रसूल का जिक्र है, जन्नत में रसूल का जिक्र है, जहन्नम में, जहन्नम फुल स्टॉप। मैं बड़ी तेजी से चला जा रहा था, बहाव में बह रहा था, लेकिन ये नहीं पता जहन्नम में। लेट मी थिंक, प्लीज लुक, यू नो वेरी वेल दैट जिक्र इज अनदर थिंग, जन्नत या जहन्नमी इज अनदर थिंग। जहन्नम में रसूल का जिक्र, हु विल मेंशन होली प्रॉफिट इन इन हाउ, हु? अरे जिक्र करता तो जाता क्यों? जिक्र करता तो जाता क्यों? औलिया कराम जिक्र सिखाए, उसका मुखालफत की नबी का जिक्र किया गया, उसकी बगल ना अल्लाह का जिक्र इसको अच्छा लगे ना नबी का जिक्र, तो जाएगा तो करता तो जाता क्यों? प्लीज लिसन मी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट इज पॉसिबल दैट जिक्र जहन्नम में भी हो जाए, मे बी, इट मे बी, साइकोलॉजिकली आई वॉन्ट टू ट्राई टू से ओनली साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट मे बी। अरे भाई जन्नत में जन्नती तो जिक्र करेगा, तवज्जो से सुनिए वो आशिको, जन्नती तो जन्नत में जिक्र करेगा ही कि ए अल्लाह तेरे रसूल को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो ये जगह मिली, तेरे मुर्शिद के इशारे पर अपनी जिंदगी की दुनिया लुटाते रहे तो ये जगह मिली, गौस और ख्वाजा का दामन पकड़ के काली कमली के साए में सांस लेते रहे तो ये जगह मिली, अरे बाप तो बाप, दादा तो दादा, पूरे खानदान को नबी की मुस्कुराहट पे कुर्बान कर दिया तो ये जगह मिली, बीवी तो बीवी, बच्चे तो बच्चे, फातिमा के लाल की सुन्नत को गले लगा लिया तो ये जगह मिली, मोहम्मद बिन कासिम का इरादा, महमूद गजनवी की हिम्मत, सैयद सालार मसूद काजी का हौसला, गौसो ख्वाजा की दी हुई तस्किए की ताकत, और उलमाए अहले सुन्नत के दिए हुए मजहब की अफादियत को गले लगाकर पैगंबर का नारा मारा तो ये जगह, रसूल की एक मुस्कुराहट के हुसूल के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी तो ये जगह भी, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे रसूल को बेमिसाल समझा तो ये जगह मिली, बेनजीर समझा तो ये जगह मिली, तेरे पैगंबर के इशारे पर चलते हुए उनकी शरीयत को अपनाया तो ये जगह मिली, शरीयत मुस्तफा मिल गई, आई गॉट इस्लामिक लॉ बाय द होली हैंड ऑफ होली प्रॉफिट,
and entered into mosque. और सर झुका दिया काबतुल्लाह की तरफ, दिल झुका दिया रसूलुल्लाह की तरफ, तो ये जगह मिली। एक जन्नती जन्नत में शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है जो तुझको माना तो ये जगह मिली, नबी को माना तो जगह मिली, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात किया, शरीयत पे चलते रहे तो ये जगह मिली। आयन मुमकिन है 100% पॉसिबल कि कोई जहन्नम में घुसने के बाद, जलने के बाद, देखने के बाद हाथ मले, ओ माय गॉड ये कितना दबा हो गया, क्या बुरा हो गया, अरे मैं यहाँ आ गया, मैंने इसको पहचाना ही नहीं। मेरे आया था मुझको एक हफ्ते के लिए ले गया, काश मैं 40 रोज के लिए न गया होता। काश एक हफ्ते के लिए बिस्तर न बांधा होता, काश इसका सत्तू देखकर धोखा न खाया होता, काश हम इसके चक्कर में पड़कर, ये तो कहता था नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात, हमको क्या मालूम कि वो नमाज पढ़ाएगा जो इबलीस ने पढ़ के छोड़ी है, ये वो सजदा कराएगा जो इबलीस ने करके छोड़ा है, ये वो इबादत कराएगा जो उसने इबादत करके छोड़ा है। हम तो समझे थे कि फरिश्तों वाला सजदा होगा, हम तो समझे थे नबियों वाला सजदा होगा, हम तो समझे थे सिद्दीक वाला सजदा होगा, फारूक वाला सजदा होगा, गनी वाला सजदा होगा, हमको क्या मालूम कि वैसा सजदा था जो आदम के आगे झुका नहीं था, वो करने वाले का जैसा था, काश हमने वो जमात में हिस्सा न लिया होता, काश हमने रसूल को अपना बड़ा भाई का समझा होता, अब वो जल रहा है और उसका अकीदा उसे चिढ़ा रहा है, तूने क्यों रसूल को अपना बड़ा भाई, काश हमने रसूल को बड़ा भाई ना समझा होता, काश उन्हें मरकर मिट्टी में मिलने वाला ना समझा होता, काश नबी के बाप किसी नबी के पैदा होने के इम्कान पर इसरार न किया होता, काश शैतान की वसत इल्मी को बढ़ाकर नबी के इल्म को घटाया ना होता, काश उनके इल्म गैब को जानवरों पागलों के उलूम से तशबीह न दिया होता, काश उन्हें गांव का चौधरी न लिखा होता, काश उन्हें अपना बड़ा भाई न समझा होता, काश उन्हें मामूली जातिया न समझा होता, काश पैगंबर के इल्म की तौहीन न किया होता, काश नबूवत का हमने दावा न किया होता, काश हमने नबी बनने की कोशिश न की होती, काश हमने गलत महदीवियत का दावा न किया होता, काश हमने सहाबा की दुश्मनी न किया होता, काश हमने अहले बैत से बगावत न किया होता, काश हुसैन को शहीद न किया होता, काश हमने इमाम अहमद बिन हंबल को, काश हमने इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े न मारे होते, कोई कह रहा काश हमने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काश हमने जेल में न डाला होता, तो आज की जमात कहेगी काश हमने अहमद रजा से बगावत न किया होता, काश हमने औलिया कामिलीन से टकराव न किया होता, काश लाहौर के दाता अजमेर के ख्वाजा और बगदाद के मालिक को मौला से टकराया न होते, काश मखदूम कछौसा की मुखालफत न किया होता, रसूल के खिलाफ कभी प्रोपेगेंडा न किया होता, काश हमने रसूल को अपने जैसा, रसूल को अपना बड़ा भाई न समझा होता। देखो पछता रहा है जहन्नम में, पछता रहा है और इसी पछतावे में जिक्र रसूल हो रहा, इसी पछतावे में जिक्र रसूल हो रहा, तो कोई ऐसी जगह नहीं निकलती जहां रसूल का जिक्र ना हो, खुदा का जिक्र हो रसूल का जिक्र ना हो, ऐसी हमको कोई जगह नहीं मिलती, बट देर इज ए वन प्लेस, देर इज ए वन प्लेस इफ यू विल ट्राई, कलमा अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का जिक्र, कुरान अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का जिक्र, हमें अजान जो भी होने वाली है अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का जिक्र, कलमे में रसूल का जिक्र है, अजान में रसूल का जिक्र है, जहां जहां खुदा का जिक्र है वहां वहां रसूल का जिक्र, जन्नत में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, अल्लाह बका में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, फरिश्तों में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, तुम्हारे घरों में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, महफिलों में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, खानकाहों में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, वलियों की महफिलों में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, जहां जहां खुदा का जिक्र है वहां वहां रसूल का जिक्र है कि नहीं, कहां है, बेशक बेशक कर रहे हो। अरे जब तुम चिकन को पटक करके गर्दन काटते हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लैम काटते हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, शीप काटते हो तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह ही का तो जिक्र करते हो रसूल का नहीं। निकल आई एक जगह निकली, अल्लाह का जिक्र है रसूल का नहीं, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, चलो एक तो निकली, अरे मेरे का सुन ताकि तेरी बदतीदगी निकली, एक जगह निकली और एक जगह क्या निकली, बिस्मिल्लाह जब तुम ज़बह करो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लॉटर द हलाल एनिमल, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर एंड कट द
Wind of life, the mean, cut it on the name of Allah. Bismillah Allahu Akbar. Come in the position of slaughter. Jab tum qatl karo, jab tum zabah karo, jab tum usse jaan lo kisi ki, jab usse uski zindagi lo, jab usse khoon mein taapne ke liye rakho, tum uske side se dekh, ye mauka kaisa hai, ye time kaisa hai, circumstances kya hai, tu jaan le raha hai. Soch tujhko agar ek halka sa knife teri, knife cut your finger, a knife only cut your finger. How much pain do you feel? How much pain? And you are going to cut his neck. This is not time of mercy. This is not time of love. This is time of slaughter. You are going to cut. You are going to finish his life. You will cut like that. Whole blood of his body came out. तापेगा, बेचैन होगा, मुर्गा बिस्मिल, एक चिकन काट के फेंक दो, तड़पता है, तो सुन, ये मकाम, ये प्लेस ऑफ सरेंडर है, दिस इज प्लेस ऑफ सरेंडर, दिस इज प्लेस ऑफ किल, दिस इज प्लेस ऑफ मर्डर, दिस इज प्लेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ लाइफ, ये मकाम गजब है, ये मकाम कहर है, ये मकाम जबा है. तो सुनो, मुकामे ज़बा है, मुकामे कहर है, मुकामे ग़ज़ब है. तो सुन, तेरा अल्लाह रहमान और रहीम भी है, तो काहिर और कहार भी है, जाबिर और जब्बार भी है. इसलिए जब किसी की जान ले तो अल्लाह का जिक्र करना मुनासिब है, मगर रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र नहीं, रहमत आलम का जिक्र नहीं, रहमत आलम व आलमिया का जिक्र नहीं. क्योंकि एक जुमला सुन लो, अरे नादान, रसूल का नाम जान लेने के लिए नहीं करते, रसूल का जिक्र जान बचाने के लिए करते हैं. नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण गौसिया, साहब हजरत गासी मिल्ला, जय पर. एक बात और समझ लो, व्हाट इज द नेचर ऑफ सलेक्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ सभा. जब भी जबह करोगे क्या कहोगे, अल्लाह ही का जिक्र करोगे, रसूल का नहीं. और अगर जबह नहीं करोगे तब रसूल का भी जिक्र करोगे, गौस का भी, ख्वाजा का भी जिक्र करोगे, दाता का भी. अगर तुम जबह करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्लॉटर एनी एनिमल, यू विल नॉट प्रोनाउंस द होल नेम ऑफ होली प्रॉफिट. बिस्मिल रसूल नहीं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल रसूल ममनू, बिस्मिल रसूल कहके जबा करना हराम, यही है हुक्म इस्लाम. अरे जान बचाने वाला नाम जान लेने में ना इस्तेमाल करो. तो जब जब जबा होगा अल्लाह ही का जिक्र होगा. अब जरा सा ध्यान दो, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड इन माई फ्यू सेंटेंसेस ऑफ उर्दू लैंग्वेज. जब जब जबा होगा अल्लाह ही का जिक्र होगा, जब जब जबा होगा, जब जब, जिसको जिसको जबा किया जाएगा अल्लाह ही का जिक्र होगा, जिसको जिसको जबा किया जाएगा, जहां कहीं जबा किया जाएगा, जिस किसी को जबा किया जाएगा, और जब भी जबा किया जाएगा अल्लाह ही का जिक्र होगा. तो दिस इज द नेचर ऑफ जबा. जबा की पहचान यही कि जब कोई अल्लाह का जिक्र करे समझ जाओ जबा करने के लिए आया है. इसीलिए हम सेलेक्टर हाउस में मुसलमानों के जरिए जब जबा कराते हैं तो उससे भी कहते हैं, बेटा अल्लाह ही का जिक्र करना, रसूल का नहीं. तो ये लैम, शीप, चिकन, एनी बर्ड विच इज हलाल इन इस्लामिक लॉ, इसे जबा करने गए तो बिस्मिल्लाह कहकर. एवरी वन इज बाउंड टू से बिस्मिल्लाह ऑन द टाइम ऑफ स्लॉटर.
तो जब कोई ज़बह करने निकलेगा अल्लाह ही का जिक्र करेगा तो हम सुन्नी मुसलमान तो खाली हलाल जानवर को ज़बह करने निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग अय्याश अरबों से पैसा लेकर जमात बनाकर घर घर जाकर मस्जिद में पकड़ पकड़ कर जब ये ईमान को ज़बह करने निकलते हैं तो इन्हें भी गौर से देखो, अल्लाह ही का जिक्र करते हैं, रसूल का जिक्र नहीं करते। या रसूल अल्लाह इनके मुंह से कहलवा नहीं सकते, या गौस नहीं कहेंगे, या अली नहीं कहेंगे। जानते क्यों? क्योंकि या गौस कहकर ज़बह नहीं होता, या अली कहकर ज़बह नहीं होता, या नबी कहकर ज़बह नहीं होता। तो जहां या नबी सलाम अलैक हो वहां ज़बह नहीं है, और जहां या नबी शिर्क हो समझ जाओ ज़बह की इरादे से निकले हैं। ज़बह के मगर याद रखना, यू आर क्रिएटेड ओनली, माय अल्लाह इज क्रिएटर, यू आर सस्टेन्ड, अल्लाह इज सस्टेनर, यू आर मेंटेन्ड, अल्लाह इज मेंटेनर, यू आर लिमिटेड, माय अल्लाह इज अनलिमिटेड, यू कांट चेंज द ऑर्डर ऑफ माय अल्लाह। अल्लाह का हुक्म बदला नहीं जा सकता, अल्लाह के इरादे को बदला नहीं जा सकता। जब अल्लाह ही ने मेरे नबी की तारीफ किया है तो एक नहीं सैकड़ों फहद बिन अब्दुल अजीज अमरीका की जूतियां चाट चाट के मर जाएं, मगर दाता का कुत्ता, गौस का नौकर और ख्वाजा का कीदत मांग अपनी जिंदगी की आखिरी सांस दे देगा, मगर गुंबद खजरा की बहारों पर अंग्रेजों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा, गोरों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे रब ने मेरे रसूल की तारीफ की, बड़ा होकर रसूल की तारीफ कर रहा है, हम छोटे होकर रसूल को भूल जाएं, और फिर रसूल का जिक्र कुरान ने किया, हम मुसलमान होकर भूल जाएं, जो काम कुरान ने किया तुम क्यों नहीं करोगे, जो खुदा ने किया है वो क्यों नहीं करोगे अगर बंदे खुदा के हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह में पता ये चला कि बनने वाले की तारीफ बनाने वाले की तारीफ है, माइक की तारीफ माइक बनाने वाले की तारीफ है, कुर्सी की तारीफ कुर्सी बनाने वाले की तारीफ है, और घर की तारीफ घर बनाने वाले की तारीफ है। तो फिर खुदा की तारीफ, खुदा जब को खुदा की तारीफ कैसे होगी? तो जब हम रसूल की तारीफ करेंगे तो रसूल के बनाने वाले की तारीफ है, नबी जीन की तारीफ नबी जीन बनाने वाले की तारीफ है, सिद्दीकीन की तारीफ सिद्दीकीन बनाने वाले की तारीफ है, शोहदा की तारीफ शोहदा बनाने वाले की तारीफ है, सालेहीन की तारीफ सालेहीन बनाने वाले की तारीफ है, दीन की तारीफ दीन बनाने वाले की तारीफ है, शरीयत की तारीफ शरीयत बनाने वाले की तारीफ है, गौस की तारीफ गौस बनाने वाले की तारीफ है, दाता की तारीफ दाता बनाने वाले की तारीफ है, ख्वाजा की तारीफ ख्वाजा बनाने वाले की तारीफ है, मुर्शिद की तारीफ मुर्शिद बनाने वाले की तारीफ है, मुस्तहिद की तारीफ मुस्तहिद तो मुस्तहिद की तारीफ भी खुदा की तारीफ है, इमाम की तारीफ खुदा की तारीफ है, नबी की तारीफ खुदा की तारीफ है, सिद्दीक की तारीफ खुदा की तारीफ है, सहाबा की तारीफ खुदा की तारीफ है, और जब ये सबकी तारीफ भी खुदा ही की तारीफ है तो सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह।